Hello everyone, a very good afternoon. So guys, today we are going to discuss the interim budget 2024 presented by the government. Okay, so first of all, I welcome you all to Plutus IAS, and I am Pratik Tripathi. I take care of economics in Plutus IAS, and today I am going to discuss this budget, interim budget, with you guys. I am going to analyze this budget with minutest of the detail. That means एक एक point को deeply analyze करेंगे, क्योंकि budget एक बहुत important document है. अगर हम economics prelims की बात करें, even in the GS section, budget plays a very important role. And every year we observe that few questions are directly asked from the budget. तो हमें एक एक चीज clear होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए budget में क्या बताया गया है. What are the major schemes? What are the changes? And what is being conveyed through budget by government to us? We should be able to understand all these things. Okay? तो बहुत अच्छे से analyze करेंगे. आप एक एक चीज समझ जाएंगे. तो चलिए start करते हैं. Okay. So सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई बजट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली बजट होता क्या है, व्हाट इज बजट. और ये जो बजट हम लोग बात करने जा रहे हैं, दिस इज इंटरिम बजट. सो व्हाट इज इंटरिम बजट. सो सी गाइस, व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्शन ऑफ द सेंटर, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, राइट. सो क्या होगा, वी आर नॉट श्योर, नो वन इज श्योर दैट विच गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शन. तो क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट इलेक्शन में जाने वाली होती है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, 4 months 5 months के लिए एक बजट फ्रेम करती है. और ये बजट कंप्लीट बजट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो भी न्यू चोजन गवर्नमेंट होगी वो फिर से बजट अपना बनाएगी, राइट. तो ये फॉर द शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए एक बजट होता है, जिसको कि इंटरिम बजट बोला जाता है. So this budget that has been presented by the finance minister is not a full-fledged budget, rather it is the interim budget. ठीक है, तो ये एक interim budget है. और full-fledged budget कब आएगा, वो आएगा जब new government elect हो जाएगी, उसके बाद. Okay? Now the thing is, अगर हम Indian constitution की बात करें, तो constitution में कहीं पे भी ये word budget mention नहीं है, right? In constitution, the word budget is not mentioned. Rather, the word is financial statement. ठीक है? तो budget को ही constitution हमारा financial statement बोलता है. Okay? अब देखिए, budget जो भी है हमारा, ये interim budget हो या full-fledged budget हो, ठीक है? Budget is divided into two parts. Budget हमेशा हमारा दो parts में divided होता है. वही चीज इस बजट के साथ है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए में क्या है, मेजर अनाउंसमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया, क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या स्कीम्स फ्रेम करी, ये सारी चीजें पार्ट ए में आती है. पार्ट बी में जो भी चेंज टैक्सेशन में आए हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे, वो सारी बातें पार्ट बी में डिस्कस करी जाती है. ओके? तो बजट हमारा दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. अब बात करते हैं कि अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट देखना है इस बजट का, तो आप कहां देख सकते हैं. सो दिस इज द साइट मेंशन्ड, indiabudget.gov.in. इस साइट पे जाकर के आप बजट का डॉक्यूमेंट एज इट इज 2024 का डाउनलोड कर सकते हैं. ओके? अब देखिए, बजट में मेनली इफ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द बजट, द मेन कंपोनेंट ऑफ द बजट, सो बेसिकली दो चीजें होती हैं बजट में. एक होता है रेवेन्यू. रेवेन्यू मींस, एंड गाइस वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सो रेवेन्यू का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट की अर्निंग. इंडियन गवर्नमेंट कैसे अर्न कर रही है, उसके पास कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग रेवेन्यू में डिस्कस करते हैं. ओके? कि मनी कहां से आ रहा है
इंडियन गवर्नमेंट के पास। रेवेन्यू दो तरह का होता है, एक हमारा शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म इन इकोनॉमी व्हेन वी से शॉर्ट टर्म मींस फॉर द टाइम स्पैन रेंजिंग मैक्सिमम टू 1 ईयर, एक साल तक का, एक साल तक का जो पीरियड है वो शॉर्ट टर्म कहलाता है, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन सी रिसिप्ट होती है, जो शॉर्ट टर्म होती है, एक साल के पीरियड के लिए होती है। इसमें क्या आता है, अगर हम इकोनॉमिक्स में जाएं, इसको हम लोग क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर फिर भी रेवेन्यू रिसिप्ट मेजरली मैं आपको बता देता हूं, आपकी जस्ट अ मिनट गाइस, या रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपका डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, जैसे कि जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। और भी डिफ सेवरल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर देयर, मैं शॉर्ट में प्रिसाइज में आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा आपका चलान वगैरह फ्रॉम अदर सोर्सेज जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है फंड्स, वो सब आते हैं, ठीक है। ये सब आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आती है, ओके। फीस, गवर्नमेंट से आपने कोई टेंडर लिया, कोई लाइसेंस लिया, गवर्नमेंट उसके लिए फीस चार्ज करती है, चालान आपसे चार्ज करती है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर रही है, नॉन टैक्सेबल इनकम भी जो होती है गवर्नमेंट की, ये सब आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ओके। उसके बाद दूसरी तरह का रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आता है वो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू होता है, और इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं, राइट। कैपिटल रिसिप्ट्स जैसा कि बताया लॉन्ग टर्म है, इसमें गवर्नमेंट लोन लेती है, बोरोइंग करती है, पैसा उधार लेना, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपने, गवर्नमेंट के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है, रेलवे की इतनी जमीन पड़ी हुई है, राइट, गवर्नमेंट के इतने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इतनी कंपनीज है, बहुत कुछ है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इसको सेल आउट करती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को, टाटा को सेल आउट कर दिया, क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट। तो इन सारे तरीकों से लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है जो कि कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है, समझ गए। तो रेवेन्यू कैन बी डिवाइडेड और सेग्रीगेटेड इंटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। चले आगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने एक पाई चार्ट बनाया है जिसमें कि आपको आइडिया दिया है कि इस साल गवर्नमेंट के पास कौन से सोर्स से कितना पैसा आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक मेजर चंक है, 19% ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज कम फ्रॉम द इनकम टैक्स, ओके। कॉर्पोरेट टैक्स से, इनकम टैक्स देखिए एक इंडिविजुअल पे लगता है, राइट। जैसे आप अगर टाटा की बात करें तो रतन टाटा की जो पर्सनल अर्निंग है उस पे लगेगा इनकम टैक्स, और टाटा ग्रुप की जो अर्निंग है उस पे लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि इन इकोनॉमिक्स वी टेक कंपनी एज अ डिफरेंट एंटिटी, राइट। सो कॉर्पोरेशन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पे लगता है, जो कि 17% है टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू जो आया उसका 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आया, 19% इनकम टैक्स से आया। तीसरी चीज आप देख रहे हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है। अब ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये एक्साइज ड्यूटी क्या है, देखिए एक्साइज ड्यूटी उस टैक्स को बोलते हैं जो भी कोई चीज फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हाउस से होके गुजरी है, यानी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जिसकी प्रोसेसिंग हुई है,
उस चीज पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। कोई भी चीज जो फैक्ट्री में बनी है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जो कि एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स कहलाता है। तो 5% जो टोटल पैसा आया गवर्नमेंट के पास इस साल, उसका 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, जो कि एक कैपिटल रिसिप्ट है। 28% पैसा गवर्नमेंट उधार लेगी, बोरोइंग करेगी, ठीक है। 28% पैसा वहां से आएगा। फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, चालान हो गए, फीस हो गई, इन सारी चीजों से 7%। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट क्या हुई? ऐसी रिसिप्ट या ऐसा पैसा जिसके लिए गवर्नमेंट को कर्जा नहीं लेना पड़ रहा है, गवर्नमेंट डजेंट हैव टू बोरो फॉर इट और टेक लोन फॉर इट, ये 1% है, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रही है, उससे 1% पैसा आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद आता है कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी लगती है। बाहर से आप चीजें इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड, वो 4% है, ओके? तो ये रहा गवर्नमेंट के पास पैसे आने के वेरियस साधन या अलग अलग जरिया जिससे कि गवर्नमेंट पास पैसा आएगा, ओके। इधर देखिए जीएसटी, वो भी एक मेजर चंक है पैसे आने का गवर्नमेंट के पास। जीएसटी और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से इस बार गवर्नमेंट कह रही है कि उसके पास 18% पैसा जीएसटी और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब बात हो रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो अलग अलग जगह पर पैसा खर्च करती है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। मैं आप जैसे आपको दिखा देता हूं कि अगर आप एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट कहां पे स्पेंड कर रही है पैसा इसकी बात करें तो ये भी दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे ही ये नाम रेवेन्यू आता है सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि विद इन 1 ईयर के खर्चे होते हैं। और गाइस, ये रेकरिंग इन नेचर होते हैं। रेकरिंग इन नेचर का मतलब रिपीट हो रहे हैं बार बार, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट उन्हें सैलरी देती है, राइट और रॉन्ग, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर हो गए हैं गवर्नमेंट उन्हें पेंशन देती है, बोलिए। तो सैलरी हर मंथ देनी है, रेकरिंग है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हर मंथ देनी है ना, शॉर्ट पीरियड में एक साल या उसके अंदर की चीजें आती हैं। पेंशन हर मंथ देनी है, रेकरिंग है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये कुछ एग्जांपल थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे ही नाम कैपिटल आता है आपके मन में आ जाएगा दैट इट इज लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा समय के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा आउट करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट ने कोई डेट ले रखा था वर्ल्ड बैंक से, किसी फॉरेन कंट्री से, कहीं से भी, पब्लिक से, गवर्नमेंट उस लोन को पे ऑफ कर दे, रीपेमेंट कर दे लोन की, तो इससे फायदा क्या होगा? अब उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यस और नो? गवर्नमेंट को उसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लोन पर हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, ये सारी चीजें, स्कूल्स बिल्डअप करे, हॉस्पिटल बिल्डअप करे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट कर रही है वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है
कि ये जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है दे आर वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. गवर्नमेंट जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, और आगे जब मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आज कितना है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट और पिछले ईयर्स में कितना था, तो हमें एक आइडिया लगेगा कि गवर्नमेंट कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च कर रही है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एनालॉगस विद द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ओके, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये रोजमर्रा के खर्चे हैं जो कि करने ही करने हैं. ठीक है, चलिए आई होप दिस इज क्लियर. अब जरा देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का कितना पैसा कहां पर खर्च हुआ दिस टाइम. ओके, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको चार्ट देखने में आसानी हो जाए. चलिए, सो देखते हैं 4% पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कह रही है पेंशन्स में चला जाएगा, पेंशन में 4% पैसा देना पड़ेगा. उसके बाद स्टेट को गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें स्टेट का भी एक पोर्शन होता है, तो इस बार गवर्नमेंट कह रही है 20% पैसा स्टेट को देना पड़ेगा. फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स. ये फिनेंस कमीशन क्या होता है तो हम लोग अपने क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स के लिए. फिनेंस कमीशन मैं आपको प्रिसाइसली एक्सप्लेन कर देता हूँ. फिनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है, आर्टिकल 280 के अंडर आता है, फाइन. और फिनेंस कमीशन क्यों बनाया जाता है, सी गाइस, दो तरह के डिफरेंस, खैर चलिए उतनी डिटेल में नहीं जाते, आप ऐसे समझ लीजिए, वरना मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की बात करने वाला था. खैर आप ये समझिए, सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, सेंटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है और सेंटर के पास अर्निंग, सेंटर और स्टेट दो चीजें हैं हमारे पास, सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं. तो सेंटर के पास पावर्स ज्यादा हैं, सेंटर के पास रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, स्टेट के कंपैरिजन में. स्टेट के पास पावर भी कम है, रेवेन्यू भी कम है, पर अगर आप एक्सपेंडिचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंटर के कंपैरिजन में ज्यादा है और स्टेट के पास एक्सपेंडिचर भी सेंटर के कंपैरिजन में ज्यादा है. गेटिंग माय पॉइंट, ये दोनों चीजें स्टेट के पास सेंटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू किसके पास ज्यादा आ रहा है, सेंटर के पास. तो अब सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर को अपना जो रेवेन्यू है उससे कुछ पोर्शन शेयर करना चाहिए स्टेट के साथ, क्योंकि स्टेट के पास एक्सपेंसेस ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पर उसका रेवेन्यू कम है. तो इस चीज को कौन मैनेज करता है, इसको फिनेंस कमीशन में जो है मैनेज करता है, ठीक है. 15th फिनेंस कमीशन ने कुछ रूल्स फ्रेम करे थे, कुछ पैरामीटर्स बनाए थे जो 2026 तक एप्लीकेबल है. अब 2026 में एक और फिनेंस कमीशन बनेगा जो कि 16th फिनेंस कमीशन होएगा, ठीक है. 16th फिनेंस कमीशन आपका 2026 में फॉर्म होएगा. उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है 8% उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट करती, मैंने आपको बताया जो लोन्स वगैरह गवर्नमेंट ने ले रखे हैं उस पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में आता है. इस बार का एस्टीमेट है कि 20% पैसा जो गवर्नमेंट की अर्निंग का है वो गवर्नमेंट
ब्याज देने में स्पेंड कर देगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और यहां पर आप देखेंगे सेंट्रली सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, नाम ही बता रहा है स्पॉन्सर्ड, सेंटर उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, सारा पैसा सेंटर का नहीं लग रहा, यानी कि कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो कि सेंटर और स्टेट ने मिलकर के लॉन्च करी है, तो कुछ पैसा सेंटर का लग रहा है और कुछ पैसा स्टेट का लग रहा है, तो ऐसी स्कीम्स कहलाती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8% ऑफ द रेवेन्यू खर्च होएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या है? हमें मालूम है हमारे देश में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द अर्निंग ऑफ द पीपल, रिच आर अर्निंग अ लॉट वेयर एज द पुअर आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड टू टाइम्स मील, डिफरेंस बहुत ज्यादा है अमीर और गरीब के बीच में। तब ये जो गरीब हैं, ये क्या करें? इनके लिए सरकार अलग अलग स्कीम्स लाती है, इनके लिए सरकार अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, इन्हें बेसिक नेसेसिटीज अवेल हो उसके लिए काम करती है, इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके उसके लिए काम करती है। जैसे कि आपने देखा और आप जानते हैं कि जो फूड का स्कीम है, 80 करोड़ पीपल को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, ये क्या है? ये सब सब्सिडी में जाता है। एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो हैं, उसमें ट्रैक्टर से लेके फर्टिलाइजर से लेके सारी चीजें सेम रेट पे नहीं लेनी पड़ती है फार्मर्स को, राइट? रैदर वो उसको कम रेट पे खरीदते हैं। कम रेट कैसे दे रहे हैं? कंपनी तो कम रेट पे नहीं बेचेगी, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, बाकी का पैसा सरकार अपनी जेब से दे रही है, तो ये आता है सब्सिडी में। तो सरकार कह रही है इस बार 6% सब्सिडी, अर्निंग का, टोटल अर्निंग का 6% पैसा सब्सिडी में जाएगा। अच्छा, अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं? ये 100% सेंटर के अंडर होती हैं, सेंटर ने इनको लॉन्च किया है, तो भाई पूरे पैसे का वहन भी सेंटर ही करेगा। ये सुनो, बिकॉज दीज आर दी स्कीम्स ऑफ सेंटर, दीज आर दी ब्रेन बेबीज ऑफ सेंटर, सो सेंटर हैज टू पे फॉर इट। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 16% पैसा इन स्कीम्स में जा रहा है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिसमें कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के साथ पार्टनरशिप में है, उसमें सिर्फ 8% जा रहा है, यानी इसमें खर्चा ज्यादा है क्योंकि पूरा पैसे का वहन केंद्र की सरकार कर रही है और इसमें कम है। ओके, डिफेंस, हमारे बॉर्डर्स बड़े हॉस्टाइल हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, जिनसे हमारे इतने फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, राइट? तो हमें डिफेंस पे खर्च करना होता है, आर्म्ड फोर्सेस पे खर्च करना होता है, हमें अपनी डिफेंस वेपनरी को अप टू डेट मेंटेन रखना होता है, वेल मार्क्ड रखना होता है, हमें विदेशों से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, वेपन्स खरीदने पड़ते हैं, इन सारी चीजों में सरकार कह रही है 8% टोटल अर्निंग का पैसा खर्च होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च होना है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बताया है कि किस मिनिस्ट्री को, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, अगर आप बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, डिफेंस जैसा कि मैंने आपको बताया हमें अपने बॉर्डर्स की रक्षा करनी है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसमें इस डिपार्टमेंट को 6.2, और ये जितने भी फिगर्स लिखे हुए हैं ये सब लाख करोड़ में है, यानी कि 6.2 लाख करोड़, ठीक है, 6.2 लाख करोड़ रुपीस दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को।
ठीक है, काफी बड़ा अमाउंट दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जो हाईवे वगैरह बनते हैं, नितिन गडकरी के अंडर आती है मिनिस्ट्री, इसको दिया है 2.78 लाख करोड़, ठीक है, 2.78 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दिया है 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य पदार्थ हो गए, आपके कंज्यूमर गुड्स हो गए, रोजमर्रा की चीजें जो हम और आप खरीदते हैं, दूध तेल ये सब, इस मिनिस्ट्री को 2.13 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर आता है, इसको 2.03 करोड़ दिया गया है। यानी इसमें क्या आता है, इस मिनिस्ट्री के अंदर पुलिस वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब इसके अंडर आता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री है ग्रामीण विकास के लिए, गांव का विकास करने के लिए, उसको 1.77 लाख करोड़ रुपीस इस बार दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जैसा कि आप जानते हैं किसान खाद का उपयोग करते हैं फसल उगाने के लिए, तो एक मिनिस्ट्री है जो इस उत्पादन को, इस प्रोडक्शन को, केमिकल्स के, फर्टिलाइजर्स के, खाद के प्रोडक्शन को देखती है, उसको 1.68 लाख करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकॉम, मोबाइल से हम आप बात करते हैं, इस मिनिस्ट्री को 1.37 लाख करोड़ दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसको 1.27 लाख करोड़ रुपीस दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार की कुछ मुख्य स्कीम्स की। ओके, सरकार की कुछ मुख्य स्कीम्स की, और इसमें सबसे पहले आती है मनरेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है भाई ये, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत 100 दिन का निश्चित रोजगार मिलता है, यानी 3 महीने 10 दिन का। ठीक है, किनको, जो गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, सरकार उन्हें साल में 3 महीने 10 दिन का गारंटीड रोजगार देती है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है। कोई रोड बन रही है उसमें उनको काम दे देगी, हाईवे बन रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा सरकारी काम, कोई भी ऐसा सरकारी ठेका है, उसमें ये लोग अप्लाई करते हैं और इन्हें 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है मनरेगा स्कीम। अब इसको देखिए, इसमें सरकार बता रही है कि उसने अलग अलग सालों में कितना पैसा मनरेगा के तहत दिया था। तो आप देखिए, 14-15 में 34,000 करोड़ रुपए, 15-16 में 37,341, 16-17 में 48,215। आप देखते जाएंगे, आपको ट्रेंड दिखेगा कि मनरेगा में एलोकेट किया गया पैसा, आवंटित किया गया पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम देखिए 2021 में था, कोरोना का ईयर था, तो इसलिए ज्यादा खर्च करना पड़ा क्योंकि कई लोग बेरोजगार हो गए थे, तो सरकार को ज्यादा रोजगार देना पड़ा ये इन सारे कामों में लोगों को लगाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं। बाकी नॉर्मल अगर आप यहां से देखें तो अपवर्ड ट्रेंड है, इंक्रीज कर रहा है, जो पैसा आवंटित किया जा रहा है मनरेगा के तहत वो बढ़ता जा रहा है। चलिए अगली स्कीम देखते हैं, मनरेगा के तहत जो काम होते हैं, रोड बनते हैं, पुल बनते हैं, हाईवे बनते हैं, जिसमें 3 महीने का निश्चित रोजगार मिलता है गरीबों को, उसकी पिक्चर है। दूसरा है आयुष्मान भारत, जिसको पीएमजे बोलते हैं, जो कि हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, बहुत सारे गरीब हैं हमारे देश में, ये बात हम लोग जानते हैं, और ये गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। अगर इनके घर में कोई एक बड़ी बीमारी आ जाए तो क्या होता है,
पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर इनके पास थोड़ी बहुत खेती है या कोई एक आध प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो इसको उनको उन चीजों को भी बेचना पड़ता है, घर पे रखा हुआ सोना बेचना पड़ता है अपने परिवारजन का इलाज करवाने के लिए। तो इसके तहत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना निकाली है। इसके तहत इन गरीबों का इलाज बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, आयुष्मान कार्ड बनता है या लगभग आप कह लीजिए मुफ्त दरों में हो जाता है। इन्हें दवाइयां भी बहुत सस्ते में उपलब्ध होती हैं, इनके टेस्ट वगैरह भी बहुत सस्ते में किए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 24-25 में सरकार इसको 7500 करोड़ रुपीस दे रही है। पिछले साल 6881 करोड़, 6881 करोड़ रुपए दिया था इस स्कीम के तहत। इस बार 7500 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत खर्च कर रही है, पर मेरे हिसाब से ये अमाउंट अभी भी कम है। भारत में जिस संख्या में, जिस क्वांटिटी में लोग गरीब हैं, ये अभी बहुत कम अमाउंट है। कम से कम 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट को देने चाहिए थे, लेकिन सरकार 7500 करोड़ दे रही है। जस्ट अ मिनट गाइस, अब देखिए अगला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि जो मोदी जी का कहना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, मेक इन इंडिया, भारत में उत्पादन करिए, और ये बहुत एसेंशियल भी है जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सके। इसका मतलब है हम अपने यहाँ चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीज़ों को यूज करेंगे, तो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 23-24 में, यानी पिछले साल गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंडर 4,645 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे। इस बार गवर्नमेंट इसके अंडर 6,200 करोड़ रुपीस एलोकेट कर रही है। ओके, अब देखिए आज का जो टाइम है, आज पूरा का पूरा, या आप ऐसे बोल लीजिए पूरा शब्द अगर आप ना भी बोले तो भी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस हैं सब सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, आपका मोबाइल सेमीकंडक्टर है, आपका कंप्यूटर सेमीकंडक्टर है, आपका लैपटॉप सेमीकंडक्टर है, आपकी स्मार्ट वॉच सेमीकंडक्टर है, आपकी एलईडी अगर घर में लगी है तो वो भी सेमीकंडक्टर है। तो आज की डेट में तो हम लोग सेमीकंडक्टर के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत वाइटल इंडस्ट्री है एज फार एज टूडेज टाइम्स आर कंसर्न्ड, और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री है। होल वर्ल्ड रिलाइज ऑन सेमीकंडक्टर टू सच अ लार्ज एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टुडेज टाइम्स, राइट? एंड नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम, वी आर ट्रांसवर्सिंग फ्रॉम आईटी एज टू नॉलेज एज। टुडे इज द एज ऑफ एआई, सो दैट्स व्हाई इट फर्दर इंक्रीजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है भारत के लिए, और इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे भी खर्च कर रही है कि हम भारत में सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री लगा सके, उसको बढ़ावा दे सके। सो एज यू कैन सी 23-24 में पिछले साल गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़ रुपीस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए अलॉट किए थे, इस बार उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया है, राइट? 6,903 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, अगला है सोलर पावर। सी गाइस, वी ऑल नो कि जो हम लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं एज अ फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे कोल हो, चाहे सीएनजी हो, डीजल हो, ये सारी की सारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। मतलब इनकी एक सीमित उपलब्धता है अर्थ पे, ठीक है, इनका एक रिजर्व है, और अगर हम इनको एक्सप्लॉइटली यूज करते रहे तो एक दिन इनका भंडार खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें अल्टरनेट, और दूसरी चीज, इनको यूज करने से क्या होता है, इनको यूज करने से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये हैम्पर करती है अर्थ को, ठीक है ना। एक तो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो दोबारा नहीं मिलेंगी, और दूसरी चीज ये पॉल्यूशन के माध्यम से अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए ग्लोबली हर कंट्री अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, एवरी कंट्री इज ट्राइंग कि वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में शिफ्ट कर जाए। तो इसी के तहत सोलर एनर्जी आती है, सूर्य ऊर्जा, सूरज की रोशनी से जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसको कन्वर्ट करा जा सकता है, एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा सकता है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, तो आप देखिए 23-24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए 4,970 करोड़ दिया था, इस साल 8,500 करोड़ दिया है। इसी के तहत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आता है, हम लोग अपनी कार वगैरह सारी चीजें फ्यूल पे, डीजल वगैरह पे, पेट्रोल पे चलाते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को यूज करने लगे एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ फ्यूल, तो बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी सरकार के पैसे के भी, क्योंकि सरकार को इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल, और एनवायरमेंट हैम्पर होने से भी बहुत ज्यादा बचेगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल है, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ज्वलनशील है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को इस तरीके से प्रोसेस करना होता है कि वो जल्दी आग ना पकड़े, ठीक है, उसकी इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी को रिड्यूस करना होता है, एलिविएट करना होता है, और उसको ऐसे डेवलप करना है कि हाइड्रोजन को गैस की तरह यूज कर सके, गैस मीन्स फ्यूल, ओके। तो उसके तहत 23-24 में गवर्नमेंट ने 297 करोड़ इसमें दिया था, इस बार 600 करोड़ है, डबल से भी ज्यादा कर दिया है। ठीक है ना। इसके बाद ये बार चार्ट्स हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर गवर्नमेंट ने जो पैसा प्राप्त किया वो अलग अलग सालों में कितना था, ये देखिए, ठीक है, ये सारा का सारा पैसा आपका लाख करोड़ में लिखा हुआ है, ऑल दीज फिगर्स आर इन लाख करोड़। तो 22-23 में गवर्नमेंट ने 23.8 लाख करोड़ प्राप्त किया, 23-24 में 26.3 लाख करोड़, 23, अच्छा ये बी और री समझिए, बी का मतलब होता है एस्टीमेटेड, बजट में गवर्नमेंट एस्टीमेट कर रही है कि इतना पैसा आएगा, और आरई का मतलब होता है रियल एस्टीमेट, यानी एक्चुअली इतना आया। तो 23-24 में गवर्नमेंट ने एस्टीमेट किया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट 26.3 लाख करोड़ होएंगी, इतना पैसा आएगा, पर असलियत में इससे भी ज्यादा आया, 27 लाख करोड़ रुपए 23-24 में गवर्नमेंट के पास आए। 24-25 में गवर्नमेंट का अनुमान है कि रेवेन्यू रिसिप्ट से 30 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, ओके। ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है,
कैपिटल रिसिप्ट है, गवर्नमेंट बता रही है कि इस साल उसका अनुमान क्या है, कितना रुपया उसे कैपिटल रिसिप्ट से मिलेगा और पहले के सालों में कितना मिला। ठीक है, तो 22-23 में ये सारा अमाउंट भी आप देख लीजिए लाख करोड़ में है, 18.1 लाख करोड़ था। 23-24 में गवर्नमेंट का अनुमान था कि उसे कैपिटल रिसिप्ट से 18.7 लाख करोड़ मिलेगा, पर उसे कम मिला, उसे मिला 17.9 लाख करोड़। उसके बाद 24-25 में गवर्नमेंट का अनुमान है कि उसे 17.6 लाख करोड़ रुपए कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में मिलेगा। आगे चलते हैं, इसके बाद फिर से वही बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट ने अलग अलग साल का कंपेयर किया है। 22-23 में गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 34.5 लाख करोड़ था, 23-24 में 35 लाख करोड़, 23-24 में 35.5 लाख करोड़, और 24-25 इस साल का अनुमान है गवर्नमेंट का कि उसका बजट रेवेन्यू रिसिप्ट आपका सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36.5 लाख करोड़ होगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड ट्रेंड है, इंक्रीज कर रहा है। क्या मतलब हुआ सर इसका, क्या ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एक बात सोचिए, आपकी आमदनी जितनी है, आपकी सैलरी जितनी है उतनी ही रहे, लेकिन आपके रोजमर्रे के खर्चे बढ़ जाएं, मतलब आपका रूम जहां पे आप रहते हैं उसका रेंट बढ़ जाए, किराया बढ़ जाए, 10,000 से 15,000 हो जाए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है मंथ की, पहले आपका किराया 10,000 था, 15,000 हो गया सेम रूम का। आपको दिन के 100 रुपये लगते थे अपने ऑफिस आने में और जाने में, वो 150 हो जाए, सब्जियां महंगी हो जाए, सारी चीज़ें महंगी हो जाए, तो ये अच्छा है कि बुरा है? सैलरी उतनी है पर खर्चे आपके उतने ही खर्चे करने के लिए आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, ये तो गलत है ना? वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये रोजमर्रा के खर्चे हैं गवर्नमेंट के, ये सैलरी है, ये पेंशन है जो गवर्नमेंट को देनी पड़ रही है, और इसको देखिए बढ़ती चली जा रही है। अगर ये पैसा बच जाता, ये पैसा कम होता, तो गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती थी कैपिटल रिसिप्ट में, मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर देश के विकास के काम आता है, देश को डेवलप करने के काम आता है, पर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ रहे हैं, ये गलत चीज है। ओके, अब जरा देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पहले के मुकाबले बढ़ा है, ये अच्छी चीज है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है देश के विकास के लिए। 22-23 में 10.5 था, 23-24 में 13.7 है, उस ये बीई है यानी गवर्नमेंट ने एस्टीमेट किया था, असलियत में हुआ 12.7 लाख करोड़ खर्च, और इस साल का गवर्नमेंट का एस्टीमेटेड है कि 15 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी देश के विकास के लिए, पर यह भी बहुत ज्यादा कम है मेरे हिसाब से कम 30 लाख करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, 25 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ रुपए देश को विकास करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए। चलिए यही चीज मैंने लिखी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, दिस इज अ थिंग टू वरी, रैदर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, जबकि रोजमर्रा के खर्चे कम होने चाहिए वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब आते हैं टैक्स प्रपोजल्स में, इस बार गवर्नमेंट ने क्या टैक्स के लिए बात कही। तो सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट ने कही है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति ने एक स्टार्टअप किया, कुछ लॉन्च किया, कोई कंपनी बनाई, कोई फैक्ट्री डाली, तो एक तो उसने अपना आइडिया अपनी इनोवेशन यूज करके एक व्यापार चला रहा है,
कई लोगों को रोजगार दे रहा है, कहीं से उसने फंड की व्यवस्था करी है, इतनी सारी चीजें वो मैनेज कर रहा है। फिर अगर गवर्नमेंट उससे पहले साल से ही टैक्स लेने लगे, कॉरपोरेट टैक्स लेने लगे, तो उसकी तो कमर टूट जाएगी। उन पैसों का इस्तेमाल वो करके अपने यहाँ काम करने वालों को पैसा देगा, उनकी सैलरी देगा, तो उसका व्यापार आगे बढ़ेगा। एक बार वो सेटल हो जाए, उसकी कंपनी सेटअप हो जाए प्रॉपरली, तब गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। और वो सेटअप हो जाएगा तो गवर्नमेंट का भी तो फायदा है, देश का भी तो फायदा है। वो 100 लोगों को नौकरी देगा, उनका घर चलेगा, गवर्नमेंट को फिर वो टैक्स देगा, सरकार का फायदा होगा, जिससे विकास होएगा। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स वगैरह का टैक्स माफ कर दिया था एक साल के लिए कि आप टैक्स ना दीजिए, ठीक है ना। जितना भी टैक्स था गवर्नमेंट ने माफ कर दिया था, बोले आप टैक्स मत दीजिए, एग्जेम्प्ट कर दिया। देखिए ठीक है, कब तक के लिए एक्सपेंड एग्जेम्प्ट किया था, कब तक माफ किया था, इस मार्च तक, मार्च 30 मार्च 2024 तक के लिए टैक्स माफ किया था कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इस चीज को एक साल और बढ़ा दिया, कहा आप एक साल और टैक्स मत दीजिए, 30 मार्च 2025 तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा कदम है स्टार्टअप्स की दिशा में अगर आप देखें तो। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो लोग जिनके साथ गवर्नमेंट केस लड़ रही थी, गवर्नमेंट और उन लोगों के साथ, वो लोग कौन थे, टैक्स पेयर्स थे, वो सरकार को टैक्स देते थे, लेकिन कुछ विवाद चल रहा था गवर्नमेंट और उनके बीच में। किस चीज का विवाद, 25,000 या उससे कम, किसी एक व्यक्ति को 25,000 रुपए 25,000 गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है ना। ये के का मतलब किलो, यानी कि 25,000, ठीक है। 25,000 रुपए को इतनी बड़ी चीज नहीं है, 25,000 या उससे कम, मैं मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूं 25,000। 2010 या उससे पहले के केस हैं, किसके किसके बीच में, सरकार और उस व्यक्ति टैक्स पेयर के बीच में। कितने अमाउंट का टैक्स है, 25,000 या उससे कम। 25,000 में क्या होता है सरकार को, सरकार के लिए 25,000 कुछ नहीं है। सरकार ने, और सरकार इतने टाइम से केस लड़ रही है, वो व्यक्ति भी परेशान हो रहा है जिसके खिलाफ केस है, सिर्फ उसको 25,000 या उससे कम की राशि देनी है। सरकार ने कहा चलो मैंने तुम्हें माफ किया, नहीं चाहिए हमें 25,000 रुपए, तुम भूल जाओ, 25,000 रुपए मत दो। कब तक, 2010 तक के जिन लोगों के केस हैं 25,000 या उसके कम के, उन सबको सरकार ने माफ कर दिया, उनसे एक भी पैसा नहीं लेगी, पार्डन कर दिया, माफ कर दिया, ठीक है, 2010 तक का। और 2011 से 2015 के बीच में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हैं, जिनका केस 10,000 रुपए तक का है, मतलब उनके और सरकार के बीच में विवाद चल रहा है 10,000 रुपए को लेकर के, सरकार ने ये 10,000 रुपए भी माफ कर दिए, बोले हमें नहीं चाहिए 10,000 रुपए, आप रखिए, कोई भी बात नहीं, फिर से चलो आगे नई शुरुआत करते हैं। 10,000 रुपए भी 2015 तक, 2011 से 2015 जिनका टैक्स केस चल रहा है, 10,000 तक बोल रहा हूं मैं, यानी 9,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, वो पैसा भी सरकार ने माफ कर दिया है। और आप जानते हैं इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा, 1 करोड़ लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा, 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ लोगों का टैक्स, इस टैक्स को लेकर के केस चल रहा था, गवर्नमेंट ने सबको माफ कर दिया, पैसा माफ कर दिया, 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने सेम टैक्स रेट, ये रिटेंशन है, ठीक है, रिटेंशन यानी कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब बनाए थे वही चीजें इस साल भी हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। मतलब कॉरपोरेट टैक्स 30% था, पिछले साल गवर्नमेंट ने इसको कितना कर दिया था, 22%,
इस साल भी ये 22% ही रहेगा। और अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए 15% है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000, 55,000, 57,000, 58,000 पर मंथ है, 50,000 से 60 के बीच में या उससे कम है, 60,000 या उससे कम तनख्वाह है आपकी, 60,000 से कम यानी 50,000, 55,000, 20,000, 30,000, तो साल में आप 7,00,000 या उससे कम रुपया कमा रहे हैं। तो अगर आप 7,00,000 या उससे कम रुपया कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि आपको अपने खर्चे काफी हैं, उनको उठाइए, हमें टैक्स नहीं चाहिए। तो वो चीज इस बार भी मेंटेन है, न्यू रेजीम के तहत आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है 7,00,000 या उससे कम की इनकम वाले पर एनम। अब देखिए ये गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा रही है, क्या क्या कह रही है गवर्नमेंट? कह रही है अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स, जो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स आए हैं टैक्स की प्रणाली में, सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं उससे क्या क्या लाभ हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा पहला पॉइंट है डायरेक्ट टैक्सेशन कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। और ये बात सच भी है, पहले लोग टैक्स की चोरी कर लेते थे, टैक्स इवेसिवनेस होती थी, लेकिन अब आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, सारी चीजें आपके खाते से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई हैं, आपके खाते में पैसा क्रेडिट होता है, सरकार को पता चल जाता है, समझ रहे हैं? तो अब आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाते हैं, या ऐसा कह लीजिए बहुत कम हो गई है टैक्स की चोरी। तो वही चीज सरकार कह रही है कि पिछले 10 सालों में जो टैक्स का पैसा 10 साल पहले कलेक्ट होता था, और कौन से टैक्स का पैसा, तो डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब की, ये पैसा सरकार कह रही है ट्रिपल हो गया है, 3 गुना हो गया है। दूसरी बात सरकार कह रही है नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स स्वेल्ड 2.4 टाइम्स, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं उनका नंबर 2.4 टाइम्स हो गया है, 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एक आंकड़ा गवर्नमेंट आपको दे रही है। देखिए होता क्या है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम 7,00,000 के कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 55,000 रुपए पर मंथ, ठीक है ना, आपको टैक्स नहीं देना है क्योंकि आपका टोटल अमाउंट बनता है 6,60,000 रुपए 12 महीने का, 7,00,000 तक टैक्स एग्जेम्पशन है, पैसा नहीं देना आपको सरकार को। अब जरा समझिए, लेकिन हर मंथ आपकी सैलरी में से 10% पैसा टीडीएस में कट जाता है। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हर मंथ आपकी कंपनी या सरकार, जैसे ही आपका पैसा आपके बैंक खाते में जाता है उसी टाइम सरकार 10% काट लेती है, समझ गए? तो साल भर में सरकार ने आपसे कितना पैसा ले लिया? साल भर में सरकार ने आपसे 66,000 रुपए ले लिए, अगर आपकी 55,000 रुपए सैलरी है तो साल भर में सरकार ने इतना रुपया आपसे टीडीएस के फॉर्म में ले लिया है। लेकिन आप पे तो टैक्स बनता नहीं है, आपकी सैलरी 7,00,000 से कम है साल की, तो आप क्या करेंगे? आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आप रिटर्न यानी सरकार को इंफॉर्मेशन देंगे, उसको सूचना देंगे कि सरकार देखो मेरी अर्निंग जो है, मेरी कमाई 7,00,000 से कम है, मेरे ऊपर टैक्स नहीं बनता है, तो तुमने जो पैसा मेरा लिया है वो वापस कर दो। वो कहलाता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो सरकार वो पैसा आपको वापस कर देगी, ठीक है ना। पहले सरकार ने आंकड़ा दिया है 2013-14 का, और सरकार कह रही है
कि 2013-14 में 93 दिन लगते थे, 93 days, मतलब आज अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया तो 3 महीने के बाद आपका पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। ये कब की बात है? 13-14 की। आज सरकार कह रही है 23-24 में, आज आप रिटर्न फाइल करिए, 10 दिन के अंदर आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। और ये बात सच भी है, जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं वो जानते हैं 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं, आपका पैसा आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। और यहां पे सरकार रुकती नहीं है, सरकार का विजन है कि वो इसको 3 दिन तक लेकर के जाएगी। मतलब आज आप फाइल करिए और 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आंकड़े दिए हैं अगस्त का, सरकार ने बताया है 23-24 का कि जीएसटी का कलेक्शन डबल होके 1.66 लाख करोड़, एक मंथ का कलेक्शन देखिए इतना हो गया है। जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 20,000-30,000 करोड़ रुपए महीने में कलेक्ट होते थे, और आज ये 1.66 लाख करोड़ तक महीने का कलेक्शन पहुंच गया है। टैक्स ब्यूएंसी आई है लोगों में, और रेवेन्यू 1.22 तक गया है। और ऐसा नहीं है कि इन सबसे सिर्फ सरकार को फायदा हो रहा है, इससे आम आदमी को भी फायदा हो रहा है। कैसे? सरकार कहती है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक्स, रोड्स वगैरह डेवलप हो रही हैं। आने जाने में जो दिक्कतें होती थी, कनेक्टिविटी इश्यूज जो थे, वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार कहती है सीएडी, सीएडी का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, जस्ट अ मिनट, सो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, देखिए मैं आपको प्रिसाइसली बता देता हूं, ब्रीफली बता देता हूं। सरकार क्या करती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट कुछ चीजों को इंपोर्ट करती है दूसरे देशों से, अपने यहां मंगवाती है, और अपने देशों से कुछ चीजों को बाहर भेजती है, ठीक है। जो चीजें बाहर बेचती है सरकार उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जो अंदर मंगवाती है अपने देश में मंगवाती है देशों से उसे इंपोर्ट कहते हैं। जब सरकार एक्सपोर्ट कर रही है तो उसे पैसा मिलता है दूसरे देशों से, और जब सरकार बाहर के देशों से चीजें खरीदती है तो उसे पैसा देना पड़ता है। ये सारी की सारी पेमेंट्स डॉलर्स में होती है, तो अगर इंपोर्ट कर रही है तो सरकार के पास डॉलर्स आएंगे, एक्सपोर्ट कर रही है तो डॉलर्स जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो जाए, यानी आप जितना सामान बेच रहे हो उससे ज्यादा खरीद रहे हो, यानी आपके पास जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा बाहर जा रहा है, तो ये गलत स्थिति है, ये घाटे की स्थिति है। इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गया, क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गया। तो भारत में ये स्थिति हमेशा से है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी, हमेशा से ही है, लगभग जब से इकोनॉमी ओपन वगैरह हुई है। तो सरकार आपको लेकिन अब कह रही है कि ये जो सीएडी है ये इसका आंकड़ा कम हुआ है, इसका जो घाटा होता था ये पहले की तुलना में कम हुआ है। और आपको फिगर्स दे रही है, देख लीजिए जीडीपी का परसेंट बता रही है, 14 में ये 1.5 के ऊपर था, लगभग 2 के आसपास, ये आंकड़े देख लीजिए, और इस साल देखिए काफी कम है, 1 के भी नीचे आ गया है, ये सरकार का कहना है। चलिए दूसरी बात, सरकार कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम हुई है, और इसका आंकड़ा परसेंट के तौर पे गवर्नमेंट ने आपके सामने रखा है, जस्ट अ मिनट। दो में सरकार कह रही थी 6.1% लोग बेरोजगार थे 18-19 में, 5.8, 4.8 19-20 में, 20-21 में 4.2, 21-22 में 4.1,
22-23 में 3.2 करोड़% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। पर ये आंकड़ा देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट तो डेटा कलेक्ट करती है फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट, कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किसी बैंक में आप काम कर रहे हैं, ये सारे फॉर्मल सेक्टर हैं। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सरकार को मालूम है आपके पास नौकरी है, आपके पास रोजगार है, ठीक है, और उसी के हिसाब से सरकार अपना आंकड़ा बता रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम हो गई है। पर भाई ये तो आप सिर्फ फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हो, ये तो आप सिर्फ फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हो, इनफॉर्मल सेक्टर का क्या? इनफॉर्मल सेक्टर, आप रोड पर जाते होंगे, ठेले लगे रहते हैं, सब्जी बेचते हैं लोग, खाने पीने की चीजें बेचते हैं, हाँ, टॉफी वगैरह ये सारी चीजें, अलग अलग दुकानें ठेलों में रोड साइड पे, स्ट्रीट फूड वगैरह, ये कोई कंपनी है क्या? इसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सरकार के पास, इनकी बात कौन करेगा? ये सब कहलाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। तो सरकार आंकड़ा सिर्फ फॉर्मल सेक्टर का दे रही है, इनफॉर्मल का नहीं दे रही। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला खींच रहा है, उस क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी है, और कोरोना के बाद से खास तौर से कितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की पूंजी खत्म हो गई, बेरोजगार हो गए, उसकी बात सरकार नहीं कर रही है। इसलिए ये आंकड़ा सही नहीं है। इस आंकड़े से तो दिख रहा है बेरोजगारी घटी है, पर फॉर्मल सेक्टर में घटी है, इनफॉर्मल में नहीं घटी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बार चार्ट दिया है, ग्रॉस एनएपीज, एनएपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे लोग जो बैंक से पैसा ले लेते हैं लोन पे, कुछ टाइम देते हैं, फिर किस्त वगैरह देना बंद कर देते हैं, भाग जाते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बहुत से एग्जांपल है। तो सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या में आप देख लीजिए गिरावट आई है, सरकार कह रही है अब ये संख्या 3.2% हो गई है, पहले से घट गई है। दूसरी बात सरकार कह रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, आप अपने मोबाइल से पैसे का जो लेन देन करते हैं, पेटीएम, फोन पे, जी पे, इन सारे माध्यमों से, तो सरकार का कहना है कि ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस बार सरकार कह रही है कि लगभग 13,000 करोड़ ट्रांजेक्शन का पैसा, यानी 13,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किस तरह से हुआ है? डिजिटली हुआ है, मोबाइल, पेटीएम, इससे हुआ है, तो ये भी अच्छी चीज है। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सरकार का कहना है जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, आप देख लीजिए हर मंथ जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। अब सरकार कह रही है हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन को समझिए, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, ठीक है। सरकार का कहना है कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, इन्फ्लेशन पिछले साल 6.7%, इस बार 5.5%, यानी गिरावट आई है महंगाई में। अब फिर से वही बात है, ये आंकड़ा जो सरकार ने पेश किया है ये कौन सा महंगाई दर है, क्योंकि तो इन्फ्लेशन भी दो तरीके से नापी जाती है, तो इसका कोई भी मेंशन नहीं किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट, उसके बाद
गवर्नमेंट ने अपना विजन शेयर किया है और अपना डेवलपमेंट मंत्रा बताया है कि डेवलपमेंट किस हिसाब से गवर्नमेंट करेगी, उसका विजन क्या है आगे के लिए, ये बात शेयर की। तो विजन क्या है? प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यानी कि ऐसा भारत, इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग है, ऐसा भारत जो कि डेवलप कर रहा हो, प्रॉस्परस हो, खुशहाल हो, लेकिन नेचर, प्रकृति का विरोध करके नहीं, नेचर को हैम्पर करके नहीं, नेचर के साथ साजगांठ करते हुए, और जो कि मॉडर्न हो, एडवांस्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका डेवलप्ड हो, और जिस देश में हर किसी के लिए मौका हो, गरीब आदमी के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी हो जितनी एक अपर क्लास के पास, ठीक है। और इसी के अंतर्गत इन्होंने अपना मंत्रा दिया कि पहले था सबका साथ सबका विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, उसके बाद हुआ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और इसको ये अचीव करने की बात कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, डेमोग्राफी हमारे पास, यहां पे ट्रिनिटी की बात हो रही है गाइस। किस चीज की ट्रिनिटी? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी कि सरकार कह रही है हमारे पास यंग पॉपुलेशन, दुनिया में सबसे यंग देशों में हम हैं, हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसका इस्तेमाल करके हम डेवलप करेंगे। उसके अलावा हम कोई कम्युनिस्ट नेशन नहीं है, हम डेमोक्रेट हैं, हम डिक्टेटरशिप नहीं है, या हर आदमी के पास उतना ही अधिकार है। और फिर हमारे देश में डाइवर्सिटी है, विविधता है, इन तीनों चीजों का यूज करके हम डेवलप करेंगे। और इसी के तहत मोदी गवर्नमेंट का विजन कि इंडिया डेवलप हो जाएगा, एक अभी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, 2047 तक भारत एक विकसित देश हो जाएगा, डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट है ये पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, मतलब हम हर आदमी, आम आदमी तक ये विकास पहुंचेगा, वो इसका हिस्सा होगा। किस प्रकार? तो सरकार कह रही है सब्सटेंसिव डेवलपमेंट इन ऑल फोर्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल। यानी सब्सटेंसिव, समावेशी विकास होगा, हर किसी का डेवलपमेंट होगा। और किन किन सेक्टर में? फिजिकली, फिर डिजिटली जो मोबाइल सर्विसेज वगैरह आपकी हैं, सोशली समाज के वर्ग पे, ठीक है। यानी रोड्स, हाईवेज बनेंगे, डिजिटल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और एडवांस करेगी, और समाज में आपस में जो हार्मनी है वो और डेवलप करेंगे और हार्मोनाइज करेंगे चीजों को। इसके लिए सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और यूपीआई पेमेंट इसको बढ़ावा देगी, यानी कि और से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सके और हर किसी को फाइनेंस के बारे में थोड़ी बहुत साक्षरता हो, वो समझ सके कि अपने पैसों को कैसे खर्च करना है, कहां निवेश करना है, कैसे सेविंग करनी है। और सरकार इसी क्रम में कहती है कि उसने स्ट्रेंथन किया है फाइनेंशियल सेक्टर को। कैसे फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है? वो कहती है पहले लोग अपने घरों में कभी कहीं किसी संदूक में, कहीं सोफे के नीचे, कहीं तकिया के खोल में पैसा जमा करके रखते थे। अब सरकार ने यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, ये जो चीजें शुरू करी हैं भारत पे, इनसे क्या हुआ है? लोगों में जागरूकता आई है, अब वो अपना पैसा बैंक खातों में रखते हैं, जिससे क्या हुआ? देश की सेविंग बढ़ी है बैंकों के पास। आप जब अपना पैसा बैंकों में रखोगे तो क्या होगा? और आप बैंकों में पैसा रख रहे हो, तभी तो आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप जब बैंकों में पैसा रखोगे तो बैंकों के पास क्या होएगा? बैंकों के पास पूंजी बढ़ेगी, यस और नो? बैंकों के पास सेविंग्स बढ़ जाएगी। और जब बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा?
जो लोग बैंक के पास लोन मांगने आएंगे बैंक उनको पैसा देगा, व्यापार के लिए पैसा देगा बैंक, यस और नो? और जब व्यापार के लिए पैसा देगा, व्यापार आगे बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे डेवलपमेंट होएगा देश में कि नहीं होएगा, बताइए। तो इस तरीके से सरकार कह रही है कि हमने सेविंग बढ़ाई जिससे कि क्रेडिट, लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ, लोगों को उधार मिलना शुरू हुआ, जिससे कि व्यापार में पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट हुई और देश वापस ट्रैक पे आने लगा, पटरी पे आने लगा। उसके बाद सरकार एक गिफ्ट सिटी बना रही है गुजरात में, जैसे दुबई वगैरह का आप नाम सुनते हैं, किसके लिए फेमस है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़ा व्यापार होता है, बिजनेस होता है कंपनी से दुबई में। इसी तर्ज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिटी बना रही है गुजरात में, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर सिटी होगी, जहां पे हाई फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ठीक है। इसका नाम है गिफ्ट सिटी, पहली सिटी है, ऐसी और भी बनाई जाएंगी। इधर देखें, अब बात करते हैं कि बजट में मेन फोकस क्या था, कुछ फोकस पॉइंट्स गवर्नमेंट के। तो इसमें है पहला, गरीब कल्याण देश का कल्याण। गवर्नमेंट कह रही है कि गरीबों की हम मदद करेंगे, पुअर लोगों की मदद करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे तो देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसके तहत सरकार ने कहा कि हमने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों के खाते में पैसा जो सरकार डायरेक्ट भेजती है अलग अलग स्कीम के तहत, सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का, कि 2.7 लाख करोड़ रुपया उसने लोगों के खाते में डायरेक्ट भेज दिया है। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर ले आए, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे उसमें से 25 करोड़ लोगों को सरकार ने, जो एक या दूसरे स्तर, किसी ना किसी स्तर पे पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, उनको हमने बाहर खींच लिया है, अब वो गरीब नहीं है। तीसरी बात गवर्नमेंट कह रही है कि उसने क्रेडिट असिस्टेंस लोन दिया है किसको, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, अंडर पीएम स्वनिधि योजना। ये सारे नाम याद रखेंगे, ये जीएस आंसर राइटिंग और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स जो सड़कों में ठेला लगाते हैं, जो फल की ठेली लगाते हैं, सब्जी की ठेली लगाते हैं, जो मोमोस चौमिन ये सारी चीजें बेचते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे लोगों को सरकार ने कर्जा दिलवाया है बैंक से, और ऐसे कितने लोगों को दिलवाया है, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत। अच्छा, अब बात करिए सरकार ने हेड आउट रेशियो की। ये हेड आउट रेशियो क्या होता है, ये बताता है कि देश में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। जितना ज्यादा हेड आउट रेशियो, जितना प्रतिशत ज्यादा है, जितना परसेंटेज ज्यादा हेड आउट रेशियो का, उतने परसेंट लोग गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो सरकार कह रही है कि हेड आउट रेशियो बहुत ज्यादा गिर गया है। 2013-14 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी तब 29.17% था, इतने ज्यादा लगभग 30% लोग देश में गरीबी रेखा के नीचे आते थे। आज गवर्नमेंट कह रही है कि ये संख्या घट करके 11.28% हो गई है, यानी 19% लोग लगभग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। लेकिन इसमें फिर से मेरा एक कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर इतने परसेंट लोग ऊपर आ गए तो फिर सरकार को, हमारे देश की आबादी है, पॉपुलेशन है 140 करोड़, 80 करोड़ लोग, 55% लोगों को आज भी मुफ्त में राशन क्यों देना पड़ रहा है। मुफ्त में राशन इसीलिए तो दे रही है सरकार क्योंकि वो लोग खरीद नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड इट, तो फिर वो गरीब कैसे नहीं है। यानी गवर्नमेंट ने पता नहीं गरीबी किस पैरामीटर से नापी है, पर ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक फैक्ट बता रहा हूं।
उसके बाद दूसरा फोकस है गवर्नमेंट का कि यूथ को, युवा पर ध्यान देंगे, युवा को मजबूत बनाएंगे, एम्पावर करेंगे। तो इसके तहत गवर्नमेंट कह रही है कि उसने 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेंड किया है स्किल इंडिया मिशन के तहत, उन्हें एक या दूसरी स्किल या हुनर सिखाया है जिससे अपना रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन सेक्शन अंडर पीएम मुद्रा योजना, 43 करोड़ लोगों को लोन दिया है, किस लिए, जिससे वो एंटरप्रेन्योर बन सके, अपना छोटा व्यापार शुरू कर सके। गवर्नमेंट कह रही है कि तुम किसी और के यहां नौकरी क्यों करोगे जाके, तुम खुद का व्यापार शुरू करो, हमसे कर्ज लो, अपना व्यापार शुरू करो और दो लोगों को और नौकरी दो, तुम किसी का नौकरी ना करो बल्कि दो और लोगों को अपने यहां जॉब दे दो, ऐसे बनो एंटरप्रेन्योर बनो। इसके लिए गवर्नमेंट ने 43 करोड़ लोगों का लोन ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है, उन्हें दे दिया है। और आप देख सकते हैं इसके लिए पीएम श्री योजना, और ये क्या है, ये स्कूल है। गवर्नमेंट इसके तहत पीएम श्री योजना के तहत क्या कर रही है, स्कूल्स का डेवलपमेंट कर रही है, सेंट्रल स्कूल्स के डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रही है। जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, सेंट्रल स्कूल्स के डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही है, और 23-24 में 4000 करोड़ रुपए खर्च किया था, 24-25 में गवर्नमेंट का कहना है पैसा बढ़ा दिया है, 6050 करोड़ इसमें खर्च होगा, ऐसा गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, अनुमान है। इसी के तहत गवर्नमेंट आपको दिखा रही है कि देखिए हमने आईआईटी की संख्या बढ़ा दी, 2014 में देश में 16 आईआईटी थी, 2023 में आज देश में 23 आईआईटी है, 7 आईआईटी बढ़ा दी। 2014 में देश में 7 एम्स थे, एम्स मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल, आज देश में 22 एम्स है, 15 एम्स बढ़ा दिए। 2014 में देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, आज देश में 1113 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, किसके तहत हुआ है ये सब, पीएम श्री योजना के तहत हुआ है। इसके बाद गवर्नमेंट का फोकस है वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, किसानों का वेलफेयर, ठीक है, जिसको कि अन्नदाता कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट इनको अन्नदाता कहती है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि 11.8 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान के अंडर, जो कि आप जानते हैं 6000 रुपए मोदी सरकार हर साल दे रही है किसानों को, 2000 रुपए करके हर 4 महीने में देती है, तो इसके तहत 11.8 करोड़ फार्मर्स को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस, जो किसानों की खेती है उसका इंश्योरेंस, अगर फसल तबाह हो जाती, फसल बीमा कहते हैं जिसे, तो उसका पैसा मिलता है, ये 4 करोड़ है, 4 करोड़ किसानों का फसल बीमा हुआ है। लेकिन देखिए इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, फसल तबाह हो गई लेकिन चेक आ रहा है 80 रुपए का, अब ये क्या मजाक है। तो हाँ कुछ है कमियां, लेकिन इतना सरकार कह रही है इतना उसने कर लिया है। उसके बाद सरकार कह रही है उसने 1361 मंडीज को, मंडी जहां पे किसान जाके अपना सामान बेचता था उनको जोड़ दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब अगर पंजाब में कोई किसान अपना गेहूं बेचने गया और उसको वहां सही दाम नहीं मिल रहा है तो वो अपने मोबाइल में देखेगा, उसको अगर हरियाणा की मंडी में अच्छा दाम मिल रहा है तो वो ऑनलाइन सेल कर देगा हरियाणा में। ठीक है, ये काम किया गया इसके तहत। और ये बात तो हम लोग जानते ही है, वीट और राइस का इस बार उपज अच्छी हुई है, प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, प्रोक्योरमेंट बढ़ा है, ये गवर्नमेंट ने बताया है। उसके बाद आते हैं अगला फोकस है नारी शक्ति। नारी शक्ति के तहत देखिए, नारी शक्ति विमेन डेवलपमेंट की बात हो रही है, 30 करोड़ मुद्रा योजना के तहत लोन्स विमेन को
महिलाओं को दिए गए, 30 करोड़ महिलाओं को लोन उपलब्ध कराए गए। उसके अलावा फीमेल एनरोलमेंट इंक्रीज किया है 28% से लास्ट 10 इयर्स में। किसमें? हायर एजुकेशन में। यानी 10 साल पहले जितनी महिलाएं हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रही थी, आज उस संख्या में 28% की बढ़ोतरी आ गई है, इंक्रीज कर गया है। 43% फीमेल एनरोलमेंट बढ़ा है स्टेम में। स्टेम कोर्स का मतलब क्या होता है? एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग, एम का मतलब मैथ्स। यानी जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसमें अब वुमेन ज्यादा एडमिशन ले रही हैं, इंजीनियरिंग ज्यादा कर रही हैं, मेडिकल में ज्यादा आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में ज्यादा जा रही है। 43% से इंक्रीज कर गया है पहले 10 साल के कंपैरिजन में। उसके बाद एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब क्या है? देखिए, सरकार कह रही है कि 1 करोड़ माताओं बहनों को यानी विमेन को असिस्ट कर रहे हैं 83 लाख एसएचजी। किस चीज के लिए? अपना व्यापार शुरू कर सकें। क्या है मतलब समझिए, आपको अगर लिज्जत पापड़ की स्टोरी पता हो, लिज्जत पापड़ बड़ा फेमस पापड़ है। क्या हुआ था? कुछ आम महिलाओं ने, 5-7 महिलाओं के ग्रुप ने पापड़ बना करके लिज्जत पापड़ के नाम से बेचना शुरू किया था बहुत साल पहले, और आज लिज्जत पापड़ इतना बड़ा ब्रांड है। तो ये जो 6-7 महिलाओं का, 8-9 महिलाओं का जो ग्रुप होता है, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, खुद की मदद करने वाला ग्रुप। ये आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक कारोबार शुरू करता है, एक उद्यम शुरू करता है, और लिज्जत पापड़ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सफल है वो। तो इसी के तहत गवर्नमेंट चाहती है कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, 83 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग मदद कर रहे हैं औरतों को, जिससे कि वो अपना, 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। तो उनको क्या नाम दिया है? लखपति बहना, लखपति दीदी, सॉरी नॉट बहना, लखपति दीदी। ओके, और देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि जो फीमेल लेबर फोर्स था, वो औरतें जो नौकरी करती हैं, महिलाएं जो जॉब करती हैं, ये इंक्रीज कर गया है। 17-18 में 23.3% था, 22-23 में 37% हो गया है, लगभग 14% इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, अमृतकाल की स्ट्रेटजी, अमृतकाल, डेवलप्ड इंडिया। तो पहली कमिटमेंट जो गवर्नमेंट की है वो है नेट जीरो, नेट जीरो का, और वो भी कब तक? 2070 तक। मतलब हम जितना प्रदूषण एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, हम जितना कार्बन एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, नेचर में छोड़ते हैं, हम उतना ही वापस खींच लें। कैसे किया जा सकता है? पवन चक्की, विंडमिल्स, सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन प्लांट्स, ये सारी चीजों का यूज करके, ठीक है। तो वही गवर्नमेंट ने कहा, विंड एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, फेस्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी, पीएनजी, कंप्रेस्ड बायोगैस। यानी कि अभी देखिए, अब आप पेट्रोल पंप में जाओ तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप ग्रीन पेट्रोल भरवाओ। ग्रीन पेट्रोल क्या होता है? 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल। इथेनॉल होगा तो क्या होगा? कम होएगा पॉल्यूशन और आपकी कार की कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी, माइलेज बढ़ेगा। तो इस तरफ गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है और 2070 तक चाहती है कि हम जीरो पॉल्यूशन पे आ जाए, ठीक है। बायोमास गोबर गैस प्लांट वगैरह आप शुरू करिए, ऐसे तो गवर्नमेंट आपको मदद करती है, फाइनेंशियली कर्जा उपलब्ध करवाएगी। अपने घरों पे, छतों पर सोलर पैनल लगाइए। 1 करोड़ हाउस होल्ड को ऐसा चुना जा रहा है जो अपने घरों पे सोलर पैनल लगाएं, सोलार एनर्जी, सोलार बिजली का उपयोग करें और हर महीने 300 यूनिट उन्हें फ्री बिजली उपलब्ध होगी।
उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ई बस, आपने देखा भी होगा एक दो रोड पे शुरू हो गई है ई बस, इलेक्ट्रिकल बस, इलेक्ट्रिकल कार्स आ गई हैं। गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिकल कर देना चाहती है, ई बस चलाना चाहती है, इसमें चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब होएगा। हाँ, आप इसमें बैठ के ट्रेवल करिए, इससे क्या होगा, ई व्हीकल इकोसिस्टम बढ़ेगा, पॉल्यूशन कम होएगी और जीरो पॉल्यूशन का एम अचीव होगा। इसी का गवर्नमेंट ने डेटा दिया है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ रही है और जो फ्यूल इस्तेमाल होगा, जैसे पहले पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल होता था जिससे पोल्यूशन बढ़ता था, अब जो फ्यूल इस्तेमाल होएगा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हाइड्रोजन फ्यूल ये सब इस्तेमाल होगा जिससे पोल्यूशन घटेगा। और अब देखिए 43.9% तक हम लोग नॉन पोल्यूशन फ्यूल पे आ गए हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट ने एलपीजी गैस कनेक्शन 10 करोड़ दिए हैं, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना के अंडर ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी हैं जो कि ग्रीन एनर्जी सपोर्टेड है। उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं उसमें 1.3 करोड़ एलईडी लगी है। ठीक है, और फिर अमृतकाल की क्या स्ट्रेटजी बताई, बोले इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए 3 मेजर कॉरिडोर बनाना चाह रही है सरकार। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना के लिए जिसके तहत लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एफडीआई प्रमोट कर रहे हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का डिस्कशन चल रहा है। बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में एक ऐसी ट्रीटी जिसके तहत वो व्यापार कर सके, एक दूसरे को वो कुछ छूट दे सके जिससे दोनों देशों का म्यूचुअली फायदा हो सके। अगला है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स, जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उनका क्वांटिटी बढ़ाई जाए कंट्री में, एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएं जिसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत बोला है, और प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल एंड नमो भारत। ट्रांसपोर्टेशन, शहरों में ट्रांसपोर्ट को चेंज किया जाए कैसे, मेट्रो बना करके। ठीक है, तो ये था बजट, ऑल दीज पॉइंट्स वर देयर इन द बजट एंड दिस वाज इंटरिम बजट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।